ईस्ट यूरोप पे अब हमने बड़ा फोकस किया है, उनके जो एम्बेसडर हैं वो भी तशरीफ लाई थी। अभी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के कोई 17-18 वाइस चांसलर आए थे, उन सब यूनिवर्सिटी के साथ हमने हमें ज्वाइन किया है। तो लकीली ये एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल गई कि नेशनल असेंबली ने हमारा जो बिल है उसे पास कर दिया है। ये चीज़ एक बड़ा हमारे एक स्ट्रगल थी, ख्वाब था। गिलगित बल्तिस्तान की शायद 6 सीट्स है और वहाँ से 100+ एप्लीकेशन आती हैं, 125-20। बड़ी मज़े की बात यह था कि इतना आउटस्टैंडिंग वहाँ से स्टूडेंट आता है। मिनिस्टर साहब ने मुझसे बात की कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर हमें कैंपस खोल दें, तो मैं बिल्कुल मैंने उसे एंडोर्स किया। हमारे एक PC1 अप्रूव हो गया ग्रेजुएट ब्लॉक का, जो हमारे रेयर जो पार्किंग है उस पर हम बना रहे हैं। पार्किंग स्पेस हम बेसमेंट में लेके जा रहे हैं और हम एक्चुअली 11 अप जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो ये 100 ईयर्स के लिए NCA के पास जो ये स्पेशल कंस्ट्रेंट है जो ख़त्म हो जाएगा, और वो जो बिल्डिंग है वो एक्चुअली उस पर सारे पे हम सोलर सिस्टम भी लेके आ रहे हैं पूरी उसकी एक इंटायर वॉल पे, उसमें सिनेमाज भी हम रख रहे हैं, ऑडिटोरियम एक बड़ा रख रहे हैं उसमें। अच्छा जाफ़ी साहब, ये जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। वो मुझे लगा है कि काफ़ी अब वाइटल हो गया है ये प्रोजेक्ट भी आपका। जी बिल्कुल, हमने इसे किया है और ये हमारे हमेशा से NCA के बाहर की दुनिया के साथ इस किस्म के नहीं कोई रेजिडेंसीज बड़ी हैं। जी हमने बहुत बढ़ाई हैं, हमने बहुत उसमें इजाफा किया है, जैसे बेलफास्ट में किया है, जर्मनी में किया है, बेबल स्कूल जो फिल्म का है उसके साथ में, और हमारी UK के साथ कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, इवन यूरोप में, ईस्ट यूरोप पे अब हमने बड़ा फोकस किया है। उनके जो एम्बेसडर हैं वो भी तशरीफ लाई थी। अभी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के कोई 17-18 वाइस चांसलर आए थे, उन सब यूनिवर्सिटी के साथ हमने हमें ज्वाइन किया है। इसी तरह से बुदापेस्ट में और हंगरी, हमने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कोई 20-25 यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक्सचेंज प्रोग्राम हमने साइन किया और अभी से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अभी बल्कि कुछ लोग इस लेट समर में आएंगे, अच्छा, इटली से, स्पेन से हमारे पास आ रहे हैं, और इसी तरह से फिर हमारे यहाँ से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाएंगे। जी, और हमने कुछ फंडिंग भी एक्वायर किया है, मिनिस्ट्री ने हमें PC1 के थ्रू HR में फंडिंग दी है, जिसमें हमारी फैकल्टी, हमारा जो स्टाफ है वो इवन लास्ट ईयर भी गए थे 3 लोग PhD के लिए, इस मतलब फिर 3 लोग PhD के लिए और 6 मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, और तकरीबन 26 लोग हैं जो शॉर्ट कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। इसी तरह कुछ वहाँ से ग्रुप्स आ रहे हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट एरियाज में, कंजर्वेशन के एरिया से इटली में 4-5 की टीम आ रही है, UK से लोग आ रहे हैं, उसे हम फंड कर रहे हैं, उनकी बेसिक जो कॉस्ट है टिकट विकेट्स की। तो ये एक क्योंकि आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जी, उसका ट्रेवल करना, उसका एक्सपोजर, तो हमने इस पर एक बड़ा फोकस रखा और अचीव किया है, लोगों को भेजा है और काफ़ी पाइपलाइन में है। जाफ़ी साहब, एक खबर ये सुनी है कि असम्बली से ये बिल पास हो गया है कि इसको NCA को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। जी बिल्कुल जी, तो ये कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस? देखिए जी, 7 जून, अभी एक हफ्ता पहले एक अच्छी खबर हमें मिली। ये बिल को बार बार टेबल हो रहा था लेकिन असम्बली में हालात कोई बेहतर नहीं थे। अच्छा, तो लकीली ये एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल गई कि नेशनल असम्बली ने हमारा जो बिल है उसे पास कर दिया है, और एक्चुअली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से अब ये सेनेट में जो है 118 उसका जो भी क्लॉज है, ये 14 को सेनेट में भी ये जा चुका है। अच्छा, तो अब इंशाल्लाह ये चीज़ एक बड़ा हमारे एक स्ट्रगल थी, ख्वाब था, माइलस्टोन है। जी जी, क्योंकि इससे ये एक्चुअली हुआ, ये था, मैं आपसे एक चीज़ें कह दूँ कि 18 अमेंडमेंट के बाद टेक्निकली हमारी पोजीशन बड़ी हम मुश्किल में थे। सही, क्योंकि फेडरल इंस्टीट्यूशन एक प्रोविंस के अंदर और उसकी प्रेजेंस तो है लेकिन उसकी उस तरह से कोई एक्सेप्टेंस इवन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एम्बिगस थी। जी जी, तो जिसकी वजह से हमने ये एक्चुअली इस पर बहुत एनर्जी हमारा फोकस था कि हमारा जो 85 का जो ऑर्डिनेंस है 18 अमेंडमेंट के बाद उसकी जो सूरत हाल है वो इतनी बेहतर नहीं रह गई थी। सही, तो यही एक रास्ता था कि एक जो मॉडल ऑर्डिनेंस के तहत एक नया जो चार्टर है हमें मिल जाए, तो वो हमें मिल गया है। सही,
अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में आप एनसीए का कैंपस खोलने का इरादा रखते हैं, वो क्या प्रोजेक्ट है? जी एक्चुअली देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल में आपसे ये अर्ज करूँ कि हमने कैंपस एक पिंडी में भी खोल दिया था जी, और ये 2005 की बात है। वो एक मुशर्रफ साहब के टाइम पे एक हवा थी 9/11 के बाद कि आर्ट एंड कल्चर पाकिस्तान का पेस कुछ दिखा रहे हैं। तो हमारे ही ख्याल है एनसीए के तमाम फैकल्टी का भी, और कि वो हमने बड़ी जल्दी में एक फैसला किया था जिसकी वजह से हमने काफ़ी सफ़र किया कि क्योंकि पिंडी पंजाब में है, लाहौर भी पंजाब में है, पंजाबी में दो कैंपस हमने खोल दिया, हमने सोचा भी नहीं, जिसकी वजह से अब इस गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फोकस अपना बढ़ाया है कि इस्लामाबाद में एनसीए का एक कैंपस होना चाहिए। तो खैर हम फिर इस्लामाबाद में अपना ले भी गए एक सब कैंपस अपना, वहाँ पर हमारे पास है। तो अब एक बड़े कैंपस की इस्लामाबाद में बात हो रही है। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान का है, इसमें हमारे पास सारे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं जी, लड़के लड़कियां, और एक क्रीम आती है हमारे पास। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास 1:13 की रेशो है, 13 में से एक को एडमिशन मिलता है। पंजाब की सीट्स भी ऑब्वियसली आबादी के हवाले से है, फिर उसके बाद सिंध का नंबर आता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान की शायद 6 सीट्स है। अच्छा, और वहाँ से 100+ एप्लीकेशन आती हैं, 125-30। और बड़ी मज़े की बात यह था कि इतना आउटस्टैंडिंग वहाँ से स्टूडेंट आता है। अच्छा, कि उसकी जो हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया है ड्राइंग के एप्टीट्यूड का, तो उस पर वो A+ की उनकी ड्राइंग होती है। अच्छा, और बहुत हमें तकलीफ़ होती थी कि हमें उनमें से सिर्फ 6 रखने, 6 लोग रखने हैं और बाकी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो बड़ी तकलीफ थी, सूरत हाल थी। वहाँ से कई मरतबा रिक्वेस्ट भी आई। लास्ट 2 साल पहले एक CM आए थे, वो कॉलेज तशरीफ आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सीट बढ़ा दें। अभी मेरे इख्तियार में नहीं है, ये तो एक है ना कोटा सिस्टम है कि जितनी आबादी है। अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये हुई कि गवर्नमेंट का कुछ था, जैसे मिनिस्टर साहब ने मुझसे बात की कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर हमें कैंपस खोल दें, तो मैं बिल्कुल मैंने उसे एंडोर्स किया। देखिए एक्चुअली जो कैंपसेस खोलने में हम NCA हमेशा रिलेक्टेंट रहा है कि जब कोई ये कहे कि आप कैंपस जाके मुल्तान में खोल दें या कोई सिंध में खोल दें, तो हमें ये रहता है कि खोलना तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो सस्टेन करना है ना उसका, सस्टेन करना है कि फैकल्टी कहाँ से आएगी और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान की बात आई ना, तो वो मेरे सामने कुछ पिक्चर फ़र्क थी। वो इसलिए कि शायद आप जानते हैं कि हुंजा में इन एरियाज में जो 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 लिटरेसी की जो परसेंटेज है ना, 100% है। ये उनका लेवल है, जो बच्चे वहाँ से हमारे पास आते हैं उन्हें हम देख रहे होते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनका बड़ा फोकस है, बहुत फोकस आते हैं। तो फिर मेरी जहन में था कि ये बहुत अच्छा होगा कि वहाँ पे अगर ऐसा मौका मिल जाए, लेकिन ये ख्वाब समझ लगता था। लेकिन वो फिर मेरी जब मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, तो वो मुझे बड़े यानी एक रोशन ख्याल, एक यंग एक चीफ मिनिस्टर मैंने देखा। अच्छा, और अब बल्कि जब मिनिस्टर साहब ने कहा था, तो फिर मैं एक तैयारी के साथ गया था उनके पास, PC1 वगैरह के साथ, एक प्रेजेंटेशन के साथ। उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाई, बड़ी एक क्लासिकल बिल्डिंग, वुड स्ट्रक्चर, जो वहाँ का एक एरिया उसके ख़ास एक है। तो वो बड़े एक्साइट हुए, एक्साइटमेंट का लेवल उनका बड़ा फ़र्क था। और उन्होंने बल्कि ये फ़ौरन कहा जी कि ठीक है, हम आपको, हमारी रिक्वायरमेंट थी इसकी 80 कनाल लैंड। अच्छा, तो उनका जी बिल्कुल हम आपको देंगे। फिर कुछ मैंने उसमें आइडिया किया कि वहाँ पर अगर एक वो जो है एक NCA का जो एक करेक्टर है, वो ये होता है कि तमाम प्रोविंसेस से रिप्रेजेंटेशन होती है। उनका जी यहाँ पे भी करें आप, सही, हमारी सीट होंगी एक उसकी GB की, और बाकी तमाम प्रोविंसेस से बच्चों को हम यहाँ पे इंगेज करेंगे। एक रेजिडेंसी का प्रपोजल में था मेरा कि अगर हम वहाँ पे वहाँ जाते हैं, एक आर्ट सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं पहले, और फिर वहाँ पे एक रेजिडेंसी प्रोग्राम हम इस्टेब्लिश करते हैं कि जैसे वो एक जितना एक पॉपुलर एरिया है कि आर्टिस्ट रेजिडेंसी, जहाँ पे दुनिया भर के आर्टिस्ट को भी हम अट्रैक्ट करेंगे और लोग आते हैं वहाँ पे। सही, तो वो भी उन्होंने ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एग्री किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम आपको 80 नहीं 100 कनाल जगह देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा। और मुझे वो लेटर आ भी गया है CM का विद इन मेरे ख्याल 10 डेज। अच्छा। तो अब उन्होंने कहा जी आप आके जगह को आइडेंटिफाई करें, हमने 2 जगह आपको ये देखी हैं। तो बहुत वो तेज़ी के साथ इसे देख रहे हैं। और अभी फिर मेरी अभी फैकल्टी से बात हुई, आज ही एक मीटिंग हमने रखी थी, हमारी तमाम जो फैकल्टी है पिंडी कैंपस की और लाहौर कैंपस की, तमाम हेड से बात हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और उनका ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा कि
उस रीजन में अगर हम एनसीए जाता है और ख़ास तौर पर वहाँ जो एक उनका इंडिजिनस एक जो क्राफ्ट है वो स्ट्रेंथन होगा और हम रेप्लिका नहीं बनाएंगे जो जो प्रोग्राम्स हैं उनकी उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ कुछ डिग्री प्रोग्राम लेके जाएंगे और वो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बन जाएगा एनसीए के लिए और ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए कि तमाम एरिया से तमाम प्रोवेंसेस से हम लोगों को इनवाइट करेंगे रेजिडेंसीज के लिए शॉर्ट कोर्सेज के लिए और दुनिया भर से एक एक हब बनाया जा सकता है नई जगह बनेगी नया कैंपस बनेगा उसमें काफ़ी डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आपका जो आर्काइव डिपार्टमेंट है उसमें आपने बड़े हीरे मोती छुपा के रखे हुए हैं कुछ उसके बारे में हमें बताएं। आर्काइव में जी हमने असल में हम कई काफ़ी अर्से से देख रहे थे कि आर्काइव में हम क्योंकि इससे पहले कोई इतनी ज़्यादा हमने उस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि कुछ स्पेसिस के मसले थे कुछ रिसोर्सेज थे हमने कुछ पोजीशन भी क्रिएट किए हैं। अभी रिसेंटली दो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो इस एरिया में अभी रिसेंटली मास्टर्स करके आई हैं उन्हें हमने इंगेज किया है तो उन्होंने फिर बहुत प्लान दिए हैं उसके लिए जी कि हमारा जो आर्काइव है उसको हम किस तरह से पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बना सकते हैं और इंटरनेशनली जो इसके जो रूल्स हैं आर्काइव के यूज के क्योंकि देखिए ये इल्म जो है ना इसकी जो एक्सेस है वो दुनिया भर में सबको होनी चाहिए बिल्कुल सही उसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो देखकर वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारा जो आर्काइव है वो बल्कि आपने कहीं जिक्र किया कि आर्काइव डिपार्टमेंट में जो है वो रॉ सिल्क भी आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं बड़ी ऑफ हाई क्वालिटी। हाँ देखिए जी हमारा जो आर्काइव है ना उसमें हमारे पास बहुत कुछ है हमारे पास उसके जो रॉ सिल्क में डिज़ाइंस हैं जो कि हमारे पास आर्काइव का पार्ट है हम अपना ये जो हमने टोलिंगटन में एक सेटअप किया है ना हम वो तमाम जो डिज़ाइन एनसीए के हैं जो कि ऑब्वियसली हमारा पेटेंट है वो उसको हम लेके आएंगे यानी मार्केट में लाएंगे पब्लिक जैसे रॉ सिल्क हम इकट्ठा कर रहे हैं डिफरेंट एरिया से प्योर जो कॉटन हम देख रहे हैं वूल है अब इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में हमारी प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और फिर ये भी है कि इसमें मिडल मैन का रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्ट एक्सेस जी जी डायरेक्ट एक्सेस होगी और बल्कि मैं तो आपसे यश करूँगा कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर तशरीफ आई थी तो उनसे हम यही कहा था कि हम इसे जो वर्ल्ड की जो बड़ी मार्केट है ना जो यूरोप की वहाँ हम शो करेंगे सही और उससे क्योंकि देखिए अब एनसीए जो है ये इंडस्ट्री तो नहीं है लेकिन हम वो जो एक जो टॉप क्वालिटी जो है ना उसका एक सैम्पल के तौर पर लेके आएंगे और फिर इंडस्ट्रीज जो है वो उसको संभाल सकते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है एक्सपोर्ट का उस पर बहुत बड़ा एक रोल हम प्ले करने जा रहे हैं सही ये जो ट्रेंडर मार्केट में हमने ये जो इसका जो सिल्क और कॉटन और वूल में जो जो वीविंग हमने शुरू किया है ना हम इस पर वो उस लेवल का प्रोडक्ट देंगे कि दुनिया को देखना पड़ेगा एक मतलब और फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी सही है बिल्कुल उस वाले से। अच्छा कॉलेज में जो एनहेंस्ड जो स्पेसेस हैं उनकी भी बड़ी बात हो रही है कि आपने बहुत सारी स्पेसेस क्रिएट की स्टूडेंट्स के लिए भी फैकल्टी के लिए भी उनका कुछ और दो सिनेमास भी आप कॉलेज में बनाने जा रहे हैं उसके बारे में हाँ सर देखिए एक तो हमने कुछ चीज़ें एग्जिस्टिंग अपनी स्पेसेस में रहते हुए जैसे कुछ कैफेटेरिया था हमारा बड़ा कंजस्टेड था हमने छोटा सा एक और बना दिया और एक जो हम बहुत अरसे से एफर्ट थी एनसीए मुझसे पहले जो प्रिंसिपल भी एफर्ट करते रहे कि हमारे पास जो पीछे एक पार्किंग एरिया है वहाँ पे हम एक बिल्डिंग ग्रेजुएट ब्लॉक बनाए क्योंकि ग्रेजुएट प्रोग्राम जब हमने शुरू किए थे तो अब हम अपने हमारे जो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के जो स्टूडियोज़ हैं उसी में हमने एक्चुअली इनक्रोच किया था अच्छा तो जिसकी वजह से हमारे पास अंडर ग्रेजुएट की जो स्पेस है वो इनक्रोच हुई वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो बस और बहुत अरसा चलता रहा स्पेस हम तराश करते रहे कि लेफ्ट राइट मिल जाए कोई बिल्डिंग मिल जाए तो कौन देता है जगह नहीं मिलती सही बड़े बड़े यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स भी आए एग्री भी कर गए लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कुछ मामला फ़र्क होते हैं रिजॉल्व नहीं हो सका फाइनली हमने हमारे एक PC1 अप्रूव हो गया ग्रेजुएट ब्लॉक का जो हमारे रेयर जो पार्किंग है उस पर हम बना रहे हैं पार्किंग स्पेस हम बेसमेंट में लेके जा रहे हैं सही और हम एक्चुअली 11 अप जा रहे हैं अच्छा जी जी यानी आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट जो है वो ये 100 ईयर्स के लिए एनसीए के पास जो स्पेस का मसला ये स्पेशल कंस्ट्रेंट है जो ख़त्म हो जाएगा और वो जो बिल्डिंग है वो एक्चुअली उस पे सारे पे हम सोलर सिस्टम भी लेके आ रहे हैं पूरी उसकी एक इंटायर वॉल पे और वो एक्चुअली सस्टेनेबल खुद को सस्टेन करेगी
सोलर सिस्टम के साथ होगी, उसमें सिनेमाज भी हम रख रहे हैं, ऑडिटोरियम एक बड़ा रख रहे हैं उसमें, और एक्चुअली हर फ्लोर पे उसके कियोस्क है, और हर सेकंड या हर थर्ड फ्लोर पे एक कैफेटेरिया है, और उस पर दो एलिवेटर्स हैं, और बड़ी खूबसूरत जगह है। हमारे अभी रिसेंटली बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने उसके डिज़ाइन को अप्रिशिएट किया, अप्रूव कर दिया है, और वो अब प्रोजेक्ट हमारा एक्चुअली। ये NCA का चाय खाना बहुत मशहूर है सर, इसके बारे में कुछ? जी, ये चाय खाना भी हमारा जो जिस वक्त मैंने बनाया था तो जहन में यही था कि लाहौर शहर में पाक टी हाउस और कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, और बड़ी यादें हैं हमारी उसके साथ में, लेकिन फिर एक वक्त आ गया कि वो ख़त्म हो गया, उस तरह से अब वो नहीं चल सकता था। तो इंतज़ार हुसैन साहब तशरीफ लाए थे हमारे कॉन्वकेशन पे, तो उनसे हमने ये कहा था जी हम यहाँ पे एक चाय खाना बना रहे हैं। तो एक्चुअली ये वॉज द फर्स्ट जो उसमें जो कि आए थे उसके लिए, और हमारा वो यही उसका ख्याल है कि जो हमारे जिसका जो है शायर और आर्टिस्ट स्कॉलर्स पेंटर्स सब एक जगह पे इकट्ठे हों, और हम लोग होते हैं, फैक्ट्री होती है, कुछ जो जूरर्स आते हैं वो बैठते हैं, तो एक स्पेस हमने क्रिएट तो की है, और अब उसका हमारा यही प्रोग्राम है कि अगर ऐसे हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं अलमनाइज हैं अगर आना चाहें तो गेट टुगेदर करना वो करते हैं, खूबसूरत जगह बनाई है उसके लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही NCA के बारे में। इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद करते हैं कि आगे भी NCA मज़ीद प्रोजेक्ट्स करता रहेगा। बहुत नवाज़िश।